जैसे ये मूंग ज्वार ये फसलें होती थी तो ये 10-20 बीघा ज़मीन के अंदर पानी आ जाता था, तो उस पानी आने से क्या है दोनों ये फसल पूरी नष्ट हो जाती थी। तो इसने ग्राम सेवक साहब ने हमारी कोई योजना बताई भाई ऐसे एक नाडा खोदने के लिए, तो हमने ये पूरी ये पूरे 20 बीघा या 25 बीघा की ज़मीन थी उसके पूरा पानी इकट्ठा करने के लिए ये नाडा खुदवाया, तो वो दोनों वो फसलें उन्हें नष्ट नहीं हुई, तो वो पूरा पानी इकट्ठा हो गया 1 बीघे ज़मीन के अंदर। ये पानी इकट्ठा करने से ये जैसे पूरा खेत की फसल नष्ट होती थी ना उसको नष्ट नहीं हुई। अब भाई 1 बीघा वो नाडो खुदा वासी हूँ से जो आप फसल भी पैदा आ जाए अब ये जाए अब ये पूरी फसल मई नष्ट है जी, वो पूरा पानी बह रहा गल जा जी फसल काली जमी जी मई अब ये मान खारो पानी जर और ये मीठो पानी जा 1 बीघा। और इससे हमारे को 2 फायदे मिलते हैं, इससे हमारी जो ये फसल गलती है उसका खेत का पानी इसमें आ जाता है, दूसरी फसल पहले बरस पानी बिना रह जाती थी अब इसमें पानी मिल जाता है, इससे पिलाई भी हो जाती है और 7-8 बोरी बीघे की प्रति बीघे के हिसाब से होती है। हमारे इस एरिया में पानी की मतलब बहुत कमी है और पानी जो है वो भी पीने लायक नहीं है। कृषि विभाग के द्वारा यहाँ आसपास में जो अन्य नाडे खुदे उसको दे के मैंने भी एक नाडा खुदाने का कोशिश की, ग्राम सेवक से संपर्क किया तो इन्होंने इस योजना की पूरी जानकारी बताई और उसके जानकारी के हिसाब से मैंने भी ये पॉइंट पर खुदवाया, इससे हमें काफ़ी फायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा पानी ख़राब हो जाता है पहले, इसको खुदाने से हमारे कुछ फ़ायदा हुआ है, अभी पानी डट गया, पहले फसल गल जाती थी यहाँ पे और अब गेहूँ कर लेंगे अब की बार में। अरे नाडम बहुत बढ़िया सुविधा मिली, जो सुविधा के खातर में भी खुदवा लिया तो श्रावण नगड़ी और भी बढ़िया बहुत बढ़िया काम ही है से इन पानी बहुत ज़्यादा पानी आवाज है शीरा शिपा से जो खेतों में फालतू वेस्टेज पानी भर जाता था उसका पूरा पानी इकट्ठा होकर के इसमें आ जाता है तो खेत में फसल होती है, पहले फसल नहीं होती थी। दूसरी बात क्या है कि पशु के लिए पानी हमारे जो कुआ बोरिंग है इनमें पानी खारा था, अब पानी के लिए यहाँ पानी मीठा इकट्ठा हो गया तो पानी की पशु के पानी के लिए भी समस्या खत्म हो गई। पहले जो फसल होती थी इसमें पानी भर के गल जाती थी फसल, अब जो है ये खेत का पानी फार्म पॉइंट में इकट्ठा हो जाता है, इससे हमारी फसल को फ़ायदा मिल जाता है। फिर दूसरी फसल और इसमें से सिंचाई करके उस फसल की और पैदावार ले लेते हैं।